नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर से आज आप लोगों के समक्ष। जैसे कि पिछले 4 दिनों से हमारे किन्नौर में बहुत ज़्यादा भारी वर्षा और बर्फ पड़ रहे हैं, तो इसके मुख्य कारण शायद आप लोगों को पता है कि पर्यावरण का बिगड़ना है। वैसे आज मेरा एपिसोड नहीं था, तो घर में सोचा कि आज के दिन सभी आप लोग जो है इस वर्षा से जो परेशान होंगे, इस बर्फबारी से आनंद के साथ बागवान जितने भी हैं वो थोड़े बहुत निराश होंगे, क्योंकि अभी फ्लावरिंग का टाइम था और फ्लावरिंग के टाइम पर इस प्रकार का जो है अचानक ही मौसम का बिगड़ना बागवानी के लिए एक जो है हताश और हैरानी की बात है। लेकिन ये कोई पहली घटना नहीं है। आप जानते होंगे कि पूर्वज हमारे कहते भी है कि जेठ के महीने तक जो है यहाँ पर जो है बर्फबारी पड़ सकता है। इसलिए तो आप जानते होंगे कि जो यहाँ पर जो हमारे जनजातीय क्षेत्र किन्नौर में 4 मंथ की व्यवस्था की जाती है, ताकि जो है हमारे यहाँ 4 महीने जो बर्फबारी का जो एक मौसम होता है, इसलिए यहाँ हमारे को राशन पानी का कोटा दिया जाता है और साथ में जितने भी हमारे अधिकारी लोग हैं नौकरी में करते हैं उनको भी 4 मंथ की व्यवस्था दी जाती है। लेकिन ये सोचने का विषय है कि पहले की तरह बर्फबारी होती नहीं है। अगर बर्फबारी हो भी रही है तो समय से पहले नहीं हो रही, समय के बाद हो रही। इसका मुख्य कारण शायद पर्यावरण का बिगड़ना है। अब मैं आपको थोड़ी सी इस विषय पर आपको बताना चाहूंगा कि पर्यावरण कैसा बिगड़ रहा है। आप जानते होंगे कि 1975-80 के दशक में जो है हमारा किन्नौर जो है बहुत बर्फबारी से घिरा हुआ रहता था। टाइम टू टाइम बर्फ आते थे, जिसका एक उदाहरण है कि 25 दिसंबर को बर्फ आना ही आना है, और लोग रिजल्ट सुनने के लिए जो 25 दिसंबर को बर्फ के दौरान जाते थे और 31 दिसंबर, 25 दिसंबर, ऐसे मुख्य जो है बर्फ का एक मेन जो है एक तिथि हुआ करता था। लेकिन जब से किन्नौर में हमारे जो ये जो जल विद्युत परियोजनाएं आई है, शायद उसके बाद जो है हमारे जो है जो पर्यावरण का संतुलन थोड़ा सा बिगड़ चुका है। इसके मुख्य कारण रहे है हम जल विद्युत परियोजना को ही दोषी ठहराते, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हमारे किन्नौर में बहुत जगह अब सड़कों का निर्माण हो चुका है। अब आप जानेंगे, अब मैं चोरा से गिनवाता हूँ, आप जानेंगे छोटा कम रूपी, और रूपी से आप हम आपको सुमरा तक ले जाएंगे, कितने विकास हो चुके हैं। पहले हम सड़क निर्माण का लेते हैं, सड़कों की ओर देखेंगे तो आप रूपी को देखिए, अब रूपी पूरा गांव तक अब सड़कों की ओर जा रहा है। उसके बाद आप छोटा कम्बा बड़ा कम्बा देखेंगे, सड़कों की ओर जो है वहां पर सड़क निर्माण हो चुके हैं। उसके बाद आपने त्रंडा गांव भी अब सड़क से निर्माण हो चुका है। फिर आप गरसू की ओर जाएंगे तो सड़क निर्माण हो चुके हैं। फिर आप नाथपा की ओर जाएंगे तो साकंडा की ओर, नाथपा की ओर भी सड़क निर्माण हो चुके हैं। इधर पहले ही आपको पता है कि बरी और निचार पहले बन चुके हैं, लेकिन अब निचार ओल्ड मार्ग भी जो है सड़क निर्माण की ओर अग्रसित हो रहा है, और साथ साथ में पानवी में भी आप देखेंगे सड़क निर्माण हो चुका है। इसके बाद आप भावा वैली में जाते तो यंगपा होरी जितने भी काफनों जितने भी छोटे छोटे गांव सड़क निर्माण हो चुके हैं, और पिन वैली तक अंदर सड़क निर्माण जा रहे हैं। इसके बाद आप आते हैं तो चगांव की ओर हम जानते हैं कि ऊपर कंडे तक हमारा सड़क निर्माण हो चुका है। उर्नी मीरू यूला तक जाएंगे तो सड़क का निर्माण हो चुका है। आप अगर रोगी वाला रोड देखेंगे तो ऊपर जो हमारे कालपा तक जो है सड़क का निर्माण हो चुका है। फिर हम निचले बेल्ट में आते हैं तो जानी रामनी पूनंग और किल्बा आपका सापनी भटूरी तक जो है सड़क का निर्माण हो चुका है। और इसके बाद आप सांगला तक वहां आप देखते तो आप देखते आप ब्रुआ ब्रुआ शंग होते हुए सांगला तक जो हमारा सड़क का निर्माण हो चुका है। सांगला से अंदर हम रक्षम तक जाते हैं तो सड़क का निर्माण हो चुका है। अब हम नीचे रल्ली से होते आते तो रल्ली से आगे हम पुआरी पुआरी होते हुए पूर्वनी का एरिया पूरा सड़क का निर्माण हो चुका है। इसके बाद हम आगे आते हैं ऊपर पू की ओर जाते हैं तो ऐसा कोई एरिया नहीं है। जैसे आपका अकपा रिब्बा रिब्बा कंडे तक आप जाएंगे तो आपका सड़क का निर्माण हो चुका है। रिब्बा सिकिब्बा जो भी है, आप इधर जाएंगे आप रारंग हो गया, खादुरा हो गया आपका, लिप्पा तक, लिप्पा से अंदर तक आपका सड़क का निर्माण हो चुका है। ऐसे ही आप ऊपर की ओर जाएंगे जंगी जंगी ठंगी का कानम सुन्नम जितने भी अंदर तक जाएंगे आसरंग तक लियो तक जो है। उसके बाद आप ऐसे ही आप स्पीति के तक जाएंगे तो सड़क का निर्माण हो चुका। अधिक सड़क निर्माण होने से हमारी भी गलती रही है। पर्यावरण का बिगड़ने का कारण ये कि हमने सड़क निर्माण तो किए, लेकिन हमने
पेड़ पौधों पर ध्यान नहीं दिया, हमने कहीं भी जो है पेड़ पौधे लगाने को हमने ध्यान नहीं दिया। तो इसी के कारण से हमारा जो आज जो ये जो पर्यावरण बिगड़ रहा है, संतुलन बिगड़ रहा है, यही कारण है। हम जल विद्युत परियोजनाओं को दोष तो देते हैं, लेकिन हमारा जो विकास हो रहा है, हम मकान बना रहे हैं, खेत बना रहे हैं, हम सड़कें खुदवा रहे हैं, तो हमारा भी अपना भी जो है इसमें जिम्मेदारियां बनता है। तो इसी वजह से ये जो हमारा जो पर्यावरण बिगड़ रहा है, आप देख रहे हैं पर्यावरण का जो और भी नुकसान है, टावरों का बनना, आप देखिए NJPC की टावरें आई है, बासपा की टावरें आ गई है, ट्रांसमिशन जो LT लाइन के टावर आ गए, छोटे मोटे जितने भी टावर है, इससे भी हमारे जो है जो क्या बोलते हैं पर्यावरण बिगड़ रहे हैं। तो जितने भी हमारे यहाँ पर आज के टाइम में ये जो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है, इसमें हम लोग दोषी है। तो मैं इस पेज के माध्यम से आज इसीलिए आप लोगों के समक्ष आया कि छोटी सी झलकियां आप लोगों को दिखाऊं और एक कविता आप लोगों को जरूर सुना के जाऊं कि पर्यावरण पर क्या असर हो रहा है। धरती माँ पुकार रही है, हाँ धरती माँ पुकार रही है, चीख चीख कर हमें बता रही है, धरती माँ पुकार रही है, चीख चीख कर हमें बता रही है, देख हालत अपनी मानव, देख हालत अपने मानव, बन गया तो इंसान से दानव, तूने क्या क्या जुल्म किए, तूने क्या क्या पाप किए, मैं सहती रही, ये धरती माँ कह रही है। धरती माँ पुकार रही, चीख चीख कर हमें बता रही, देख हालत अपने मानव, बन गया तो इंसान से दानव, तूने क्या क्या जुल्म किए, तूने क्या क्या पाप किए, मैं सहती रही, निष्काम निष्काम तुम्हारे पापों को अपने ऊपर ढोती रही, हाँ निष्काम तुम्हारे पापों को अपने ऊपर ढोती रही, हर कष्टों का वजन चुपचाप मैं उठाती रही, हर कष्टों का वजन मैं चुपचाप उठाती रही, ये पेड़ पौधे ये पहाड़, हाँ ये पेड़ पौधे ये पहाड़, ये पेड़ पौधे ये पहाड़, ये नदियां ये सुंदर जंगल, ये फूल पत्ते तेरे जीवन के लिए ही तो है, ये पेड़ पौधे ये पहाड़, ये नदियां ये समुन्दर ये समुन्दर ये जंगल, ये फूल ये पत्ते तेरे जीवन के लिए तो है, मैं नित इन्हें संवारती गई, मैं नित इन्हें संवारती गई, तू महल बनाता गया, तू गांव शहर बनाता गया, तू महल बनाता गया, तू गांव शहर बनाता गया, तू खेत खलियान सड़क निर्माण करता गया, तू खेत खलियान सड़क निर्माण नव निर्माण करता गया, मेरी छाती छलनी कर, हाँ मेरी छाती छलनी कर, तू अपने संसार बसाता गया, तू अपने संसार बसाता गया, कितने पशु कितने पक्षी कीट पतंग मगरमच्छ मछलियां, कितने पशु पक्षियां कीट पतंग मगरमच्छ मछलियां, तू मारता गया धरती को चीरता गया, तू मारता गया धरती को चीरता गया, चारों ओर धुआं धुआं विशाल फैक्ट्रियां, चारों ओर धुआं धुआं विशाल फैक्ट्रियां, नीचे ऊपर दाएं बाएं विशाल बस्तियां, हाँ नीचे ऊपर दाएं बाएं विशाल बस्तियां, हवाई जहाज बस ट्रक रेल कार मोटर, हवाई जहाज बस ट्रक रेल कार मोटर, आज देख मानव तू इन सब से कोसों दूर है, आज देख मानव इन सब से तू कोसों दूर है, सांसों के लिए तू तरस रहा है, ऑक्सीजन के लिए तू तड़प रहा है, सांसों से के लिए तू तरस रहा है, ऑक्सीजन के लिए तू तड़प रहा है, मौत को बुला रहा है सुखों से कोसों दूर, हाँ मौत को बुला रहा है सुखों से कोसों दूर है, संभल अब भी वक्त है, हाँ संभल अब भी वक्त है, पेड़ पौधे लगाओ पर्यावरण को बचाओ, पेड़ पौधे लगाओ पर्यावरण को बचाओ, धरती माँ का कर्ज लौटाओ, धरती माँ का कर्ज लौटाओ। ये छोटी सी रचना थी आज के ये जो भारी वर्षा और हिमपात पर जो हमारा जो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है, इसके मुख्य दोषी हम लोग हैं। तो मैं इस पेज के माध्यम से यही आग्रह करता हूँ कि आप लोग पेड़ पौधे लगाएं, सड़कें खुदवाते हो, नालियां बनाते हो, मकान बनाते हो, खेत बनाते हो, तो पर्यावरण का भी जरूर ध्यान दें। देखते हैं हम आज के दौर में आज आज किन्नौर में क्या क्या हमने कहाँ कहाँ नुकसान हुए, कहाँ कहाँ जो है बर्फबारी का ज्यादा प्रभाव पड़ा, तो थोड़ी सी झलकियां मैंने आप लोगों के समक्ष लाया, तो जरूर देखें। नमस्कार, कल्पा में आप देख सकते हैं किस तेज रफ्तार के साथ बर्फबारी सुबह से चला है। सेब के पौधे टूट चुके हैं, सारे टहनियाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारे पेड़ बिल्कुल क्षतिग्रस्त, सारे टहनियाँ नीचे जमीन पर आप बिल्कुल देख सकते हैं,
क्या हालत है टहनियों का, जगह जगह तारे आपस में लिपटे हुए, बिजली के तारे। मैं आपको और करीब से बिजली के तारों का जायजा दूंगा, क्योंकि बेमौसम बर्फबारी ने बहुत ही नुकसान पहुंचाया है समूचे किन्नौर को। यहाँ बिजली के तारों पे आप देख सकते हैं किस तरह पेड़ के टहनियाँ लटके हुए हैं और बिजली के तारे जुड़े हुए, ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, क्योंकि बिजली की जो आपूर्ति है बिल्कुल बाधित है, रुका हुआ बिजली। पिछले 2-3 दिनों से कल शाम को बिजली की सप्लाई हुई थी, पर उसके तुरंत बाद थोड़ी देर बाद फिर बिजली बंद। बहुत ही दयनीय हालत यहाँ देख सकते हैं, पूरे बर्फबारी का इतना भयानक मंजर। इस तरह अभी भी बर्फबारी होता हुआ खटारंगेशल में भारी हिमपात। 2021 अप्रैल का पहला हिमपात 21 का खटारंगेशल में। जगाव उड़ली लिंक बार ठप, पूरा यातायात बंद। आपने देखा किस प्रकार से किन्नौर में भारी बारिश और बर्फ ने जो तहस नहस कर दिया है। किन्नौर के हर कोने कोने में इस तरह से आपको नजारा देखने को मिलेगा, बेमौसमी बारिश और बर्फ ने यहाँ के बागवानों को बहुत परेशान कर दिया है। जो भी वीडियो देख रहे हैं ये उड़नी गांव का है। अभी आपके सामने जो वीडियो दिख रहा है सांपनी का है। देखिए किस तरह से सांपनी में भी जो पूरा बर्फ में चादर बिखेर रखा है। जिस उत्साह से बागवान यहाँ पर खुशी थे उस उत्साह के साथ अब बागवान जो है थोड़ा बेमौसमी जो बारिश और बर्फ से नाखुश दिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि यह घटना पहली बार है, क्योंकि कहते कि जेठ के महीने तक भी किन्नौर में बर्फ पड़ सकती है, ये रोज कहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से कुछ सालों में दिन प्रतिदिन जो है यहाँ पर
मौसम का परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इसका जो जितना भी खामियाजा है ये हमारे किन्नौर में बने हुए प्रोजेक्ट के लिए ही, हमारे स्थानीय लोग कहते हैं कि जब से ये कंपनियां आई है तब से किन्नौर में जो है पर्यावरण पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। पूरे हिमाचल में इस प्रकार का बारिश और बर्फ देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं डरसूरा, सुविधा दी जाती है। ये देखिए किस प्रकार से बागवानों को यहाँ पर जो है बगीचे में क्षतिग्रस्त देखने को मिल रहा है। समूचे किन्नौर में इस प्रकार को इस बार देखने को मिल रहा है। लो बेल्ट में थोड़ी सी फसल आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये देर सवेर के बर्फ ने जो है काफी नुकसान किया है। आप देख रहे हैं एमसीएन चैनल पर आज का ही नजारा है ये। प्रशासन ने सभी को हिदायत दी है कि वो घरों में ही रहें, घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि ये देखिए रल्ली में किस प्रकार से जो है दोबारा जो है वहाँ पर ग्लेशियर आया है। तो जहाँ कहीं लोग फंसे वहीं पर ही आप लोग रहें। कैसा प्यार तुझे था, कैसे पास मेरे आए, मैंने वहाँ तेरे दिल के आँचो। अभी अभी सांगला रोड ऊपर से ढाक गिरने की वजह से कुछ ही दूर पर पूरा रोड जो है तहस नहस हो गया। टावर भी अगर आप देख रहे हैं तो गिर चुका है और इस प्रकार से टावर भी नहीं है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से जो है बेमौसमी जो बर्फ़ और बारिश ने जो किन्नौर का हालत जो है इतना दयनीय और दर्दनाक किया है कि बागवान लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। ये हमारी गलती है, अपनी गलती है। विकास के साथ साथ हम पर्यावरण का ध्यान नहीं दे रहे। तो ये मेरा छोटा सा रिपोर्ट था कि हमें जो है पर्यावरण पर खुद को भी ध्यान देना है। हम कंपनी वालों को दोष दे रहे हैं, हमने दुनिया भर के सड़कें खोली है, दुनिया भर के हमने आलीशान जो है मकान बनाए हैं, दुनिया भर के हम खेत खलिहान खो मतलब बना रहे हैं, हम कंडों तक जो है हम जो है सड़क मार्ग बना रहे हैं, लेकिन हम कहीं भी पेड़ पौधे नहीं लगा रहे हैं। तो इसी वजह से हम इस दयनीय हालत में पहुंचे। तो मैं राम भगत ने किन्नौर से, अगर अच्छा लगा तो इस एपिसोड को जरूर शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। फिर मिलते हैं, नमस्कार।